सर, हम सर्जिकल स्ट्राइक के लिए रेडी हैं और हमारा टारगेट हफीज है। सर, हफीज हिजबुल का कमांडर है और पिछले 4 सालों में उसने हमारे 65 जवानों को शहीद किया है। हफीज अभी पीओके के कोटली में है। उसने हमारे रिलीफ कैंप से 4 डॉक्टर्स को किडनैप किया है। सोर्सेज से पता चला है कि कल रात की क्रॉस फायरिंग में वो जख्मी हुआ है। ए टीम के 4 कमांडोज कैप्टन राम के साथ मिशन पर निकल पड़े हैं। ये सभी बेस्ट हैं सर। कैप्टन राम हमारे आर्मी के सबसे उम्दा पैरा कमांडोज में से एक है। आगे बढ़ो। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद। मिशन ब्लैक बोर्ड इज ऑन। मिशन आजादी। इस मिशन का मकसद है आतंकवादियों के चंगुल से अपने देशवासियों को छुड़ाना। टीम हाईली ट्रेन्ड पैरा कमांडोज लेड बाय कैप्टन राम। ये असली मैदान जंग है जहां जिंदगी और मौत के बीच बस एक चीज का फासला है, एक गोली का। हमारे कमांडोज को बेहद छिपते छिपाते दुश्मन के एरिया में घुस के उन्हें पॉइंट ब्लैंक पर शूट करना है। इसके लिए जान भी जा सकती है। सोल्जर्स, अब हमें धीरे धीरे टेररिस्ट कैंप में घुसकर अपने लोगों को छुड़ाना है। ओके सर। बी अलर्ट, बीवेयर। सर, हमने 2 टेररिस्ट को मार गिराया। सर, ऑल क्लियर। गुड न्यूज ये है कि हमने यहाँ का एरिया पूरी तरह सिक्योर कर लिया है। हमें भारी मात्रा में बम, ग्रेनेड्स और बाकी हथियार मिले हैं। ओवर एंड आउट सर। मुझे एक छिपा हुआ रास्ता मिला है। ये एक हिडन टनल है। सर, मैं भी आऊं? नो, यू स्टे देयर। मैं जाके देखता हूं। बी अलर्ट, मेरे सिग्नल का इंतजार करना।
इंजनामी, तुम लोग डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके, ओके, क्वाइट। इसको देखा? गो। I'll be back. पहली बार हाफिज मोहम्मद को मारने के लिए कोई उसके इतने करीब आया है। छोटी सी तनख्वाह के लिए इतना बड़ा रिस्क। सब मारोगे, सबके सब। ये जमीन हमारी है और उसके लिए हम मिटने के लिए तैयार हैं। अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरे जैसे हजारों खड़े होंगे इस मिट्टी को आजादी दिलाने। पहले तू जा, पीछे सबको भेजता हूं। ये रुको, जैन सा, सा, जैन। उस टेररिस्ट को तुम जिंदा पकड़कर यहां ला सकते थे, तो उसे मारा क्यों? I want an explanation। उससे हमें बहुत सी जानकारी हासिल हो सकती थी। सर, हम लोगों ने पूरा डेटा इकट्ठा किया है और इससे ज्यादा जानकारी उसके पास नहीं थी। ये तय करने वाले तुम कौन हो? सर, हमारे पास यही एक ऑप्शन बचा था जिसके जरिए हमने ये मैसेज भेजा था। कौन सा मैसेज? अगर वो हमारी जमीन पर आकर हम पर अटैक कर सकते हैं सर, तो हम भी कुछ कम नहीं है। अगर हम शांत हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं। हम भी उनकी जमीन पर जाकर उन्हें मार सकते हैं। क्या कहना चाहते हो? तुम्हारी इस हरकत से दोबारा वो लोग हमला नहीं करेंगे क्या? डरेंगे नहीं तो करेंगे ना सर। और यही मैसेज तो भेजा मैंने, दोबारा हम पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेंगे। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, और याद रखना इससे तुम्हारी इंक्वायरी रुकेगी नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा होकर गंगा का पानी पीकर सैनिक बनाऊं सर, अपने देश के लिए जान न्योछावर करने से पीछे नहीं हटूंगा। और जहां तक इंक्वायरी की बात है तो कोई इंक्वायरी मेरा जज्बा कम नहीं कर सकती। क्या कहा? मैं इंक्वायरी के लिए तैयार हूं सर। उसका लुक, उसकी डेयरिंग पहली नजर ने ही दिल को घायल कर दिया। उसकी हाइट, उसकी पर्सनालिटी। सोल्जर्स आर रियली हैंडसम। एक मिनट, तुम किसी सोल्जर की बात कर रही हो ना? यस, कैप्टन राम। किसकी बात कर रहा है? मैनू लगता है वो तेनू पसंद कर दी है। कौन? और कौन? डॉक्टर? ए, कुछ भी। ओए, उसने बंदूक और बजूका सिर्फ फिल्मों में देखी होगी। ओए, कुड़ी ने सब कुछ देख लिया। ऐसा क्या? क्या कहूँ, मैं तो फिदा ही हो गई। I fell madly in love with him। ओहो, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। ए, 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 ओए, पहली बॉल पे विकेट गिर गया उसका। अरे छोड़ना यार। I love him, मगर आगे क्या करना है कोई आइडिया नहीं। ओए, जाके उसे बात कर। इतना आसान नहीं है ना, पहले मुझे उसके दिल में क्या है ये पता लगाना होगा। ओए, क्या मैंने कभी कहा कि मैं उसको प्यार करता हूँ? कहने की क्या जरूरत है? ओके, कल सुबह मैं उसे प्रपोज करूंगी। डॉक्टर नंदिनी, तुम आज गुलाब से भी ज्यादा गुलाबी लग रही हो। कई दिनों से दिल में एक बात फुदक रही है। आई लव यू। बस बस, आप दोनों की जोड़ी
गुलाब का फूल और उसके कांटे की तरह लगती है। डॉक्टर हरीश, नंदिनी ने आपको जल्दी बुलाया है। इनकमिंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मेरे भाई। थैंक यू। इनकमिंग। डॉक्टर हरीश, इसे बहुत तेज बुखार था पर मैंने इसे कमर दर्द की दवा दे दी। डोंट वरी, मैं सुई लाया हूँ। दो घंटे में फड़फड़ाने लगेगा। डॉक्टर हरीश, यू आर अ जीनियस। थैंक यू सो मच जानू, सुई के पैसे वसूल। ऐसी सुई मैं बार बार लगाऊंगा। अरे पागल हो गया है क्या? मैं बीमार हूँ जो मुझे सुई लगा रहा है। डॉक्टर नंदिनी के पेशेंट को मैंने सुई लगाकर बचा लिया। क्या तुमने अपनी शक्ल देखी है? तुम दोनों का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। मनहोस अपनी जबान बंद रख। हम दोनों की जोड़ी तो ऊपर से ही रेडीमेड बन कर आई है। नंदिनी डॉक्टर है। तो मैं क्या प्लम्बर हूँ? मैं तो कुत्ते बिल्ली का भी इलाज कर लेता हूँ। पहले अपना इलाज तो कर ले। दिल दिया दर्द। हेलो, वो फराटेदार इंग्लिश बोलती है। हूँ तो गुजराती बोलू छू। ए सामो रे, क्या है? मैं उसे ऐसे प्रपोज करूंगा। हाँ तो? और वो मुझे चुन लेगी। ये लो। हाय। हाय। वो पहाड़ की चोटी पे काला कबूतर नाच रहा है। वहाँ देखो बॉस। तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? या एक्चुअली जैन सर। जैन। एक्चुअली मैं वो जहन। एक्चुअली जहन। हाँ हाँ हो गया जाइए। सॉरी। एक्चुअली कैन आई टेक अ सेल्फी विद यू? तुम्हें सेल्फी क्यों चाहिए? मैं आपके साथ सेल्फी लेके फेसबुक पे अपलोड करूंगी क्योंकि मैं एक देशभक्त हूँ। अच्छा, ये बताओ कि अपलोड करने से देशभक्त हो जाओगी तुम? हाँ बिल्कुल। साबित कर सकते हो? हाँ। चलो करो। सेल्फी पोस्ट करने के बाद मैं उस पर ये लिखूंगी कि ये है हमारे देश के जवान और जिनकी वजह से आप सुरक्षित हैं, और लोगों को बताऊंगी कि तुमने मेरी जान बचाई। मेरे नाम की बजाय तुम अगर ये कहती कि इंडियन आर्मी ने बचाया तो आई विल बी हैप्पी। लगता है आपके कॉम्पिटिशन में कोई और भी मार्केट में है। अरे चिरकुट, तू उसके साथ मेरी कंपैरिजन कैसे कर सकता है? बॉस उसकी हाइट देखो, उसकी तो हाइट बड़ी है। मेरा दिल बड़ा है। बॉस वो हीरा है। अगर वो हीरो है तो हुई हीरो ने पप्पा छू। उसकी कड़क बॉडी देखो बॉस। उसकी कड़क है। हाँ तो? तो मेरी डांबर की सड़क है बिल्कुल काली काली। तुम्हारी तरह मुझे भी अपने देश पर बहुत गर्व है। आई एम अ प्राउड इंडियन। आई एम श्योर। बाय द वे, तुम्हें नेशनल सॉन्ग पता है? वंदे मातरम। गा लेती हो? हाँ हाँ गाओ। एक्चुअली स्कूल में तो हर रोज मुझे ही स्टेज पर गाना पड़ता था। गाओ नाउ। हाँ क्यों, शुरू हो जाओ। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इट्स ओके, अपना फोन दो। कम। सेल्फी और देशभक्ति दोनों में बहुत फर्क है। इसकी बैंड बजाता हूँ। मेरी बज गई। Stand up. Okay. क्या हुआ? हरीश जानू।
नंदिनी ने मारी एंट्री। घुमड़ चिक टाकर चिक ये ले पकड़ा भी आता हूँ। आई एम कमिंग एंड कमिंग। सूचे बकुड़ी आ, वो पत्थर यहाँ रख दोगे प्लीज? नंदू हाँ थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। थैंक्स तो गैरों को कहा जाता है। हाँ हम तो दिल वाले हैं। मरी गए। विश मी लक। हाँ लक। हाँ हाँ वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। नंदिनी मेरी परमिशन के बिना पत्थर तक नहीं हिलाती। मैं भी एक देशभक्त हूँ, यकीन हो गया? तुम्हारी आवाज बहुत सुरीली है। एक्चुअली स्कूल के दिनों से ही मुझे गाने का बड़ा शौक था। उस दिन तुमने अचानक से पूछ लिया तो नहीं गा पाई। काफी अवार्ड मिले हैं मुझे। आप एक सेल्फी हो जाए। कल ली थी ना? नो वो सेल्फी तो मैंने कल ही पोस्ट कर दी थी। देखो हम दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने लाइक्स मिले हैं। हम दोनों की जोड़ी कमाल लग रही है ना। ये कमेंट में क्या लिखा है? शायद मेरे बारे में कुछ। हरीश मेरे बारे में लिखा। आई सी यू सून। जैन सर जी, कांग्रेचुलेशंस। शादी मुबारक हो। शादी? हाँ किसकी? तेरी, डॉक्टर नंदिनी के साथ। सही बोला। बैंगलोर में मेरी शादी है। ITC गार्डन या होटल ताज बुक करने वाला हूँ। बहुत बढ़िया। 2000 भारतीयों को इनविटेशन दिया है। ओके। वेज और नॉन वेज खाना होगा और कॉकटेल पार्टी भी। एंड ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए नॉर्थ इंडियन स्टाइल का बढ़िया पंजाबी खाना भी होगा। वाह, ये गलत है पाजी। वो इतना अरेंजमेंट कब किया ये तो बताओ पाजी। अरे अरेंजमेंट तुम करोगे पाजी, मैं थोड़े ना करूंगा। बात कर रहे हो, मजाक कर रहे हो पाजी। शादी कंफर्म है। आपके लिए एक लेटर है। ओए आ गया, बाजू वाले टेंट से लव लेटर आ गया। वो दोनों मिलके डॉक्टर खेलेंगे। थैंक यू। जय हिंद। क्या लिखा है? जोर से पढ़ो सर, हमें भी तो बताओ उस लेटर में क्या लिखा है। अरे सर तो छुट्टी हो गया, लगता है लेटर कुछ ज्यादा ही रोमांटिक है। क्या हुआ था?
इट्स क्लियर, ही कमिटेड सुसाइड। मेरे भाई की किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी और ना ही वो कायर था कि वो खुदकुशी कर ले। क्या हुआ था राम? मैं जानता हूं तुम दोनों कितने करीब थे। आई अंडरस्टैंड, वो मेरी बहन का सुहाग था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैं वहां मौजूद था। लेट्स बी प्रैक्टिकल राम, चीजों को और कॉम्प्लिकेटेड करने से क्या फायदा? भाई होने के नाते मुझे पूरा हक है यह जानने का कि मेरे बड़े भाई के साथ क्या हुआ था। प्रैक्टिकल होकर बात करूं तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, पूछ रहा हूं, व्हाट हैपेंड? सर हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर है, हमें बिल्डिंग तोड़नी पड़ेगी। जो ऑफिसर हमसे पंगा लेता है वो आइंदा कभी दिखाई नहीं देता है। अगर तुम में से कोई मर्द का बच्चा है, किसी में दम है, तो गिराओ बिल्डिंग। हम नहीं गिराएंगे सर, लेकिन हमारे नए डीसी वो आपको छोड़ेंगे नहीं। कौन है वो जोकर? आपने सिर्फ पुलिस की वर्दी पर स्टार्स देखे होंगे, लेकिन इनकी किस्मत में स्टार्स है। अन्याय भी जिनसे कांपता है, न्याय के ऐसे महान देवता है वो। कौन है तू? तुझे इंट्रोडक्शन देने की मुझे कोई जरूरत नहीं, तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मुझे जान सके। शायद तू ये नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। तू वो गुंडा है जो जमीन हड़प कर उसी जमीन पर बिल्डिंगें बनाता है। ऐसी जगह ट्रांसफर करूंगा कि पीने का पानी भी नहीं मिलेगा। अगर हिम्मत है तो आगे बढ़। ए, 5 साल पावर में रहकर जब तुझमें इतना घमंड आ सकता है, तो 158 साल पावरफुल पोस्ट में रहने वाले मुझमें कितना घमंड होगा? सुनो इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की ड्यूटी में रुकावट और उन्हें धमकाने के जुर्म में इसे अंदर डालो। पागल हो गया है क्या? एक बार और सोच ले। सोचना तब पड़ता है जब गलत काम करना हो, सही काम करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। IAS ऑफिसर हो कोई साधु नहीं, मुझसे पंगा लिया तो मार डालूंगा। ऑफिसर सर, बिल्डिंग डिमोलिश कर दो। ओके सर। कुछ दिनों बाद वो कॉर्पोरेटर जेल से छूट गया और तुम्हारे घर के बाहर आकर हंगामा करने लगा। चल बाहर आना, चूड़ियां पहनी क्या? मम्मी, छोड़ो रे। तू बहुत पछताएगा, मैं तुझे और तेरे परिवार को मार दूंगा। तुम्हारा भाई बड़ा गुस्से वाला था, जब उसे इस बात का पता चला तो वो बदला लेने कॉर्पोरेटर के घर चला गया। उसके सर पर खून सवार था, उसने कॉर्पोरेटर की गन से उसी को मार डाला। मर्डर केस में उसे अरेस्ट कर लिया गया। मैंने उसकी बेल करवाई और उसे घर ले आया। और अगले ही दिन उसने खुदकुशी कर ली। लुक, इट्स अ क्लियर केस ऑफ सुसाइड। पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही कहती है। तुम्हारा क्या कहना है? ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। फिजूल की बात मत सोचो, तुम ज्यादा इमोशनल हो रहे हो। पूरा कमरा सबूतों से भरा है सर। व्हाट डू यू मीन? एविडेंस नंबर 1, भाई के पर्सनल कमरे के टेबल के बगल वाले पर्दे, आज भी मुझे उनमें से गांजे की बदबू आ रही थी। इसका मतलब उस कमरे में जो भी रहा होगा उसकी हाइट 6'2" या 6'3" रही होगी।
एविडेंस नंबर टू, भाई के कमरे में रखा हुआ बीन बैग। उसमें ऐसा निशान तभी आता है जब कोई भारी या लंबा इंसान उस पर बैठा हो। इसका मतलब यह हुआ कि उस पर बैठने वाले इंसान का वजन लगभग 100 किलो होगा। भाई को धूल पसंद नहीं थी इसलिए वो खिड़की के पास नहीं बैठते थे। अगर बैठे भी होते तो उस पर इतना गहरा गड्ढा नहीं होता। एविडेंस नंबर थ्री, ये बताइए कि आपको भाई के कंप्यूटर पर किसी की उंगलियों के निशान मिले। रिपोर्ट के मुताबिक तो किसी के नहीं मिले। क्यों? नामुमकिन। उस पर भाई के फिंगरप्रिंट्स तो मिलने ही चाहिए थे। इसका मतलब उस दिन किसी ने इस कंप्यूटर का इस्तेमाल किया था और पूरे फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए थे। लास्ट एविडेंस है भाई के गले में लगा हुआ फंदा। आपने गांठ पर गौर किया? जिसने भी वो फंदा बांधा है वो लेफ्ट हैंडेड था जबकि भाई राइट हैंडेड थे। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? सर, हो सकता है कि ये चूक जानबूझकर की गई हो। मैं आपके डिपार्टमेंट को दोष नहीं देता लेकिन बिना पुलिस के सपोर्ट के एक आईएएस ऑफिसर के मर्डर पर यूं पर्दा डालना बहुत मुश्किल है। राम, इस केस को मैं पर्सनली इन्वेस्टिगेट करूंगा। जल्दी से फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करो, मैं सत्यमूर्ति केस को री इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं। 6.2, 6.3 हाइट वाले सारे क्रिमिनल्स के नाम चाहिए मुझे। एक्सक्यूज मी। यस सर। ये डॉक्टर रविंद्र कहां मिलेंगे? उनका ऑफिस वहां है। वहां? थैंक यू। हाँ बोल। राम, डॉक्टर रविंद्र से मिलने आए। मुझे डॉक्टर रविंद्र से मिलना है। रविंद्र सर तो दो दिन की छुट्टी पर है। Go, you guys go. Okay. Hey, hi. Hey. तुम यहाँ कैसे? डॉक्टर रविंद्र से मिलने आया था। ओह, तो फिर मिले? नहीं, वो आज छुट्टी पर हैं। क्या? डॉक्टर रविंद्र आज छुट्टी पर हैं? किसी ने मजाक किया होगा। Oh. No worries, come. I'll take you there. मैंने कहा था ना, डॉक्टर यही मिलेंगे। हाय डॉक्टर, ये आईएएस ऑफिसर सत्यमूर्ति के छोटे भाई हैं। ही वांट्स टू मीट यू। मैं इनसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, कैन आई? ऑफ कोर्स। थैंक यू। या, बैठ सकता हूँ? थैंक यू। मेरे भाई, आईएएस सत्यमूर्ति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आपने बनाई मैंने पढ़ी। What about it? Nothing. अगर कोई लटक कर सुसाइड करता है तो उसके गले पर वी मार्क होता है। अगर कोई जबरदस्ती फंदा डाले तो ओ मार्क होता है। मेरे भाई के गले पर ओ मार्क था। रिपोर्ट तो सही है ना? कहना क्या चाहते हो? कोई कुछ भी कहेगा और मैं रिपोर्ट बदल दूंगा? मैंने ये कब कहा? ये तुम खुद कह रहे हो। देखो, तुम आर्मी ऑफिसर हो तो अपना दिमाग बॉर्डर पर लगाओ। मुझे यहाँ भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है। पोस्टमार्टम होने के बाद ये रिपोर्ट बनाई गई है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम लग रही है तो जाके पुलिस में रिपोर्ट करो। मेरे पास तुम्हारी बकवास के लिए टाइम नहीं है। अब तुम जा सकते हो। बिना कुछ बोले भी तुमने बहुत कुछ बोल दिया। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। दो मिनट बात कर सकता हूँ? ए, भाई से बात करेगा? हाँ, ओए,
कौन है तू? तेरा ब्लड ग्रुप क्या है? ओ पॉजिटिव। यहाँ पर ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप किसका है? तुम दोनों इस तरफ आ जाओ, इसे खून की जरूरत पड़ने वाली है। अब तो तुझसे बात कर सकता हूँ। तू अपन के इलाके में आके हमको ही हुल दे रहा है? कौन है बे तू शाने? क्या बोला तू? तेरी हिम्मत कैसे? तुम्हारे इलाके में अकेला निहत्था खड़ा हूं और तुम उससे हिम्मत की बात कर रहा है? चूहे इलाके बदलते हैं, शेर शेर होता है। ए छोटे संभाल रहे इसको। हैंडसम हट्टा कट्टा नौजवान है कबीर। काले कारोबार, हवाला ट्रेड, बेटिंग का इल्लीगल बिजनेस चलाता है। हाँ में हाँ मिलाने वाले को साथ रखता है, जो खिलाफ जाए उसे सीधा ऊपर पहुंचा देता है। मुझे दो किस्म के लोगों से सख्त नफरत है। पहले जो मेरी बात नहीं सुनते, और दूसरे जो मुझसे गद्दारी करते हैं। करो या मरो। एक साल के लिए अंडरग्राउंड हो जाऊंगा बॉस। तुझे मैंने बोला था ना, तेरी मनुष्य शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। इंक्वायरी से पहले ही शिवाजी नगर के फयाज अली को किसी ने मार दिया। हेलो, हेलो, यस, समझ गया, आ रहा हूं। आई थिंक समवेयर ही इज कनेक्टेड टू योर ब्रदर्स केस। बाय द वे, तुम्हारे भाई का केस अब सीबीआई हैंडल करेगी, सोचा तुम्हें बता दूं। तुमने लोगों कहीं देखा है? गूगल, इंटरनेट, सब जगह ढूंढ लिया, मुझे कहीं नहीं मिला। तुमने देखा है कहीं? I think I have seen it. Yeah? Yes. इसे कहीं देखा तुमने? कभी भी, कहीं भी? No, पर मैंने कहीं तो देखा है। Where? सोचो। अब न्यूज़पेपर, टेलीविजन एड्स,
hoardings. No, 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 no. Wait, wait, wait. I think. Where? I guess. जिस रास्ते से मैं आती हूँ ना, वहीं कहीं देखा है. Superb, come. Now? क्यों? क्या तुम बिजी हो? Sorry, मैं तुमसे पूछना भूल गया. No. Good, come. मैं प्यून बनना चाहता था लेकिन डॉक्टर बनना नंदू के लिए. आज देखना कैसे मैं नंदू को बर्थडे का सुपर सरप्राइज देता हूँ. मस्त है बॉस. निकल गई बॉस. ए, एक लड़का लड़की बाइक पे हो तो क्या वो लवर्स हैं? क्या वो दोनों भाई बहन नहीं हो सकते? आजकल तुम जैसों की वजह से भाई बहन भी साथ नहीं घूम सकते. Hey, see there. It's a gym logo. इनकी दो ब्रांचेस हैं, एक मल्लेश्वरम और दूसरी जयनगर में. लोगो यहाँ है तो उसका इस जिम से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है. Hey, sweetie, thank you for calling, but I'll call you back, all right? Thanks, bye. कल सुबह तुम क्या कर रही हो? क्यों? तुम इस ब्रांच पर नजर रख सकती हो, मैं दूसरी ब्रांच पर रख लूंगा. मैं ये कह रहा था कि तुम एक ब्रांच पर नजर रख लो और मैं दूसरी ब्रांच पर रख लेता हूँ. नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम बात कर लो, इट्स फाइन. वैसे भी मैं तुम्हें बिना पूछे यहाँ ले आया. सॉरी, यू कैन कंटिन्यू. नो, इट्स माय बर्थडे. थैंक्स. मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, इफ यू डोंट माइंड. तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो? सॉरी. तुम्हें क्या लगा तुम अगर बताओगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो? आई एम नॉट दैट डम और इनसेंसिटिव, मुझे पता है. मगर तुम्हें एक बात जान लेनी चाहिए, मेरी जिंदगी में और भी जरूरी चीजें हैं. मेरा लक्ष्य अलग है. मेरी जिंदगी में इन चीजों के बारे में सोचने की कोई जगह नहीं. मैं नहीं जानता कि ये सब कहां जाकर खत्म होगा, और इन सब के बीच में मैं तुम्हारी जिंदगी को जोखिम में डालूं ये फेयर नहीं है. मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी की खुशी कहीं और ढूंढो. अब मैं कुछ बोलूं? हाँ? तुम दोनों भाइयों के बीच के रिश्ते को, उन इमोशंस को, तुम्हारे लक्ष्य को मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ. इनफैक्ट मैंने अपनी फीलिंग्स तुम्हारे साथ शेयर नहीं की. प्रॉबेबली अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद यही करती. तुमने मुझसे कहा ना, खुशी कहीं और ढूंढो. ऑफ कोर्स, यही मेरी खुशी है तुम्हारे साथ. जैसे मैं तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करती हूँ, उसी तरह तुम्हें मेरी फीलिंग्स की करनी चाहिए. बाय द वे, अभी तक तुमने बहुत कुछ कहा मगर एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते. पागल हो. एक मस्त जोक सुनाओ. हाँ सुनाओ ना बॉस. अभी बिजी हूँ, बाद में सुनाता हूँ. यहीं पर रोक दो. यहाँ क्यों? क्योंकि उस जिम की एक ब्रांच यहीं पर है. ओके, बी केयरफुल. ओके नंदनी. हाँ? अपना फोन देना, मैं तुम्हारा जीपीएस एक्टिवेट कर रहा हूँ. हाँ. इसे ऑफ मत करना. हाँ. देखा बॉस, क्यों जले पे पेट्रोल छिड़कता है. Don't worry. ठीक है. समझ में नहीं आता वो कितने अच्छे दोस्त है. Think positive यार, हर एक दोस्त जरूरी होता है. बिल दे देना वरना बर्तन धोने पड़ेंगे. बॉस ये वाली कैसी है? दिखने में अच्छी है, इसका नंबर निकाल. Hey dude, वर्कआउट हो गया क्या? Yeah dude. चाय. थैंक यू. Deal.
बोलिए। हाय, वो मेंबरशिप के बारे में कुछ पूछना था। एडवांस 5,000 रुपए देने होंगे। उसके अगले महीने से हर महीने आपको 3,000 रुपए देने होंगे। इस समय हमारा ऑफर चल रहा है। जिस आदमी की हमें तलाश है और जिसके हाथों में टैटू है वो इसी जिम में है। अभी आया। ओके, कम फास्ट। एक्सक्यूज मी प्लीज। थैंक यू। मैडम, ये क्या कर दिया? सॉरी। वापिस रख दीजिए इसे। हेलो, कोई लड़की है जो अपन का पीछा कर रही है? छोकरे लोगों को लेकर फैक्ट्री पहुंच। लड़की तुमको भाव दे रही है और तुम हम लोग को यहाँ पे बुला के कबाब में हड्डी बना रहे हो? एक्सक्यूज मी। क्या भाई, आज तो तुम्हारा जलसा है भाई। मुझे एक कॉल करना है। बॉयफ्रेंड को कॉल करना है? तुझे लगता है ये फोन करते ही तेरा बॉयफ्रेंड यहाँ आकर हमारी धुलाई करेगा और तुझे बचा लेगा? तेरा बॉयफ्रेंड क्या हीरो है? सिर्फ एक कॉल करने दो ना प्लीज। ओके, सिर्फ एक कॉल, लेकिन एक कंडीशन पे। तेरे हीरो की एंट्री के लिए अपन सिर्फ 2 मिनट का टाइम देगा। अगर वो इन 2 मिनटों में नहीं आया तो अपन जो बोलेगा तुझे वही करना पड़ेगा। यस। क्या हुआ, फोन नहीं उठा रहेगा क्या? आई थिंक ही इज बिजी। ये सब तुम अपन को मत सुना। अपन ने जो टाइम दिया था वो पूरा हो गया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 कौन है बेटू? यही तो है मेरा हीरो। दो मिनट बात कर सकता हूं तुमसे? जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शेर के इलाके में आ ही जाता है। शटर बंद करो रे, टपकाते हैं इसको। ऐसा मत करना वरना तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। क्यों बे, तू मारेगा? नॉर्मली मैं किसी को मारता नहीं और अगर मारता हूं तो वो नॉर्मल रहता नहीं। अब 2 मिनट बात कर सकता हूं। Bye.
जानता है, बहुत खतरनाक लोग हैं वो। अब उनके पास सुन, चला जाए यहाँ से। कौन? अगर उन लोगों को पता चला तो अब उनके साथ साथ तेरे को भी खत्म कर देंगे। अब उनकी बात मान, चला जाए यहाँ से, चला जा। कौन? अरे यार, ये अपुन की बात समझता काहे को नहीं? कौन? वो अपुन के परिवार को मार देंगे, तू समझता भाई? कौन? हे, तू अपुन की बात समझता काहे को नहीं है? वो अपुन के परिवार को मार देंगे, वो इंसान नहीं है, जानवर है, जानवर। Yes, Captain Ram. एक नंबर नोट करो। Tell me, sir. मुझे complete call details चाहिए। Yes, sir. मैं आपको बताता हूँ। Detail मिलते ही मुझे mail करना। Okay, sir. Yes, Captain Ram. Manveer. Sir. मुझे numbers की exact location चाहिए. Number 100% private होगा, इसलिए continuous call करते रहना. Owner phone जरूर receive करेगा. उसकी आवाज record करके match करो. Give me the voice match. और पता लगाओ कि किसकी आवाज है. Okay, sir. Yes, Ranveer. मैंने पता लगा लिया है, sir. अभी वो latitude 13.0441 degree north, sir. Okay. और voice match? And the voice match is also found, sir. कौन है? हाँ, ओके, काम तो हो जाएगा ना? हाँ, चिंता मत करो, सब हो जाएगा। ये हैं स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर, इतने काबिल कि हेल्थ की स्पेलिंग तक ठीक से नहीं बोल सकते। चौथी पास जो है, पहले ड्रग्स का धंधा करते थे, उसके बाद मेडिकल माफिया के सरगना बनके दवाइयों का अवैध कारोबार करने लगे। यूं समझ लीजिए कि पॉलिटिशियन बनने से पहले फुल टाइम गुंडे थे। तुझे मैंने बैठने के लिए बोला क्या? सॉरी सर। अरे तू खड़ा क्यों है? बैठ जा। शनि का प्रकोप पिछले 9 सालों से। कपड़ा काला है लेकिन दिल एकदम सफेद। ओम नमः शिवाय। अरे बोलना सर, बात यह है कि वो इसके कई सारे हॉस्पिटल्स हैं बाप के मरने के बाद। प्रॉपर्टी को लेकर दोनों भाइयों में झगड़ा है, यहाँ पर सेटलमेंट करने आया है। भाई, इसमें उसका कोई हिस्सा नहीं है। मेरा हिस्सा कितना होगा? क्या? अबे सुना नहीं मैंने हिस्सा कहा? 50 करोड़ मेरी तरफ से, ऊपर से और 10 करोड़ ले लीजिए। मेरा काम तो हो जाएगा ना सर? थैंक यू सर, यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। नमः शिवाय। मेरा भाई यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ बैठकर मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हो तुम? तू यहाँ किसलिए आया? तुम बताओ यहाँ क्या चल रहा है? तू बता किसलिए आया? ये मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी है। खड़ा किया मैंने, तूने नहीं। प्रॉपर्टी का 50% मेरा। शांत हो जाओ तुम लोग। मेरा पैसा एक बराबर है। बिजनेस खड़ा किया, बाहर निकालोगे? झगड़े से मसला हल नहीं होता, आपस में बात कर लो। कॉफी लोगे? ले आओ, जरा कॉफी लेके आना। ये क्या, 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी में से 900 करोड़ अपनी बेटी के नाम कर लिए? तुम्हें आतिशबाज अंजनप्पा के पास आने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। अगर शनि का प्रकोप पड़े तो सर्वनाश हो जाता है। सब खत्म हो गया। ऐसा अन्याय हमारे साथ मत कीजिए सर। मेरी बात सुनिए सर, ये हमारी जिंदगी भर की कमाई है। प्लीज सर, हमारे साथ इंसाफ कीजिए, वरना हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। ये गलत है सर। देखिए सर, मैं आपके पास न्याय की उम्मीद लेकर आया था। आपके ऐसा करने से हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे सर। प्लीज सर, अगर साइन करेगा तो घर जाएगा, वरना
ओम नमः शिवाय। गलती से भी ये मत सोचना कि तू बच गया। चाहता तो अभी तुझे मौत के घाट उतार देता। कौन है तू? आइए सत्यमूर्ति का भाई। तूने मेरे भाई को मारा, तुझे मार के उनकी मौत का बदला जरूर लूंगा। हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? क्या सबूत है तेरे पास? बोल। मेरे भाई की मौत के एक मिनट बाद तुझे उसी नंबर से कॉल आया था जिस नंबर से मेरे भाई को आया था। जिसने भी तुझे कॉल किया उसका पूरा रिकॉर्ड मेरे फोन में है। मैंने तुझे प्रूफ देने के लिए फोन नहीं किया, ये बताने के लिए किया कि तेरी लाइफ में मेरी एंट्री हो चुकी है। तेरी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू। तय था कि कैप्टन राम अपने भाई के कातिलों को सजा देकर ही चैन लेगा। चेहरे काफी थे, शक कईयों पर था, बस वो कड़ी जुड़नी बाकी थी जिससे राम उस मास्टरमाइंड तक पहुंच सकता जो आईएएस सत्यमूर्ति की मौत का असली दोषी था। बिजनेस टाइकून, इंडस्ट्रियलिस्ट, टेक्सटाइल किंग, आदमी एक काम अनेक, शहर के नामी गिरामी हस्तियों में इनका नाम शुमार है। उठो, उठो। ये रेगिस्तान में भी हाथ डालता है तो वहां भी पानी निकल जाता है। तुम जानते हो यहाँ क्या हुआ? क्या हुआ? यहाँ दिन दहाड़े मेरे घर में गोलियां चल रही हैं और डरा रहा है मुझे। कौन है वो? आइए सत्यमूर्ति का भाई पैरा कमांडो राम। शाह इंडस्ट्रीज और शाह एम्पायर के मालिक अमृत शाह। उसने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती कर दी। आज के बाद वो एक कदम क्या एक इंच भी नहीं चल पाएगा। Let's put an end. जो करना है जल्दी करो। लेकिन वाइट कॉलर होने के साथ साथ ये हेल्थ मिनिस्टर के पार्टनर भी हैं। अंग्रेजों, मेरा देश छोड़कर चले जाओ। मेरा भारत महान। जय हिंद। भाई उसकी बाइक मिल गई है, लगता है वो स्कूल के अंदर ही है। ढूंढो, ढूंढो, ढूंढो और जहां मिले उसे वहीं ठोक देना। नमस्ते, मेरा नाम रितु है। मैं सत्यमूर्ति और अनुराधा सत्यमूर्ति की बेटी हूँ। हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छी बातें सिखाते हैं। मैं हमेशा अपने पापा की एक बात याद रखती हूँ, बुरा काम करने के लिए हमेशा सोचना पड़ता है पर अच्छे काम करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। पर अफसोस मेरे पापा आज मेरे साथ नहीं है। मुझे उनकी बहुत याद आती है। मैं भी पढ़ाई करूंगी और बड़े होकर कलेक्टर बनूंगी और लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करूंगी। ऐसा करूंगी तो पापा हमेशा मेरे साथ रहेंगे। पापा, आपकी नन्ही परी हमेशा आपके असूलों पर चलेगी और एक ईमानदार ऑफिसर बनेगी। आई लव यू पापा। क्या वो तुम्हारी बेटी है? नहीं, वो इनके भाई की बेटी। और ये तुम्हारा पति है? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? अभी तो एक भी नहीं। It's too early. अभी हम नहीं चाहते। चुप, पगली कहीं की। तेरी उम्र में मेरे चार गोलू मोलू बच्चे थे, तू एक से शुरुआत कर ले। माँ बनना औरत का धर्म है। झूठ बोला, अभी शादी नहीं हुई। तो क्या हुआ, जल्दी से शादी कर लो और फटाफट फैमिली प्लानिंग करो। सच कहूँ तेरे होने वाले बच्चे बहुत सुंदर होंगे। बाय चाचू। बाय। एक पैरा कमांडो सही निशाना लगाने से कभी नहीं चूकता। वो तुम्हें मार सकता था मगर उसने ऐसा नहीं किया।
वो सच बोल रहा था, उसने जानबूझकर कप को गोली मारी थी। उसका मकसद क्या है? आखिर वो हमसे चाहता क्या है? क्यों कर रहा है ये सब? क्या उसके साथ इसमें कोई और भी है? और इज ही ट्राइंग फॉर सम एविडेंस? या फिर शायद वो मुझ तक पहुंचना चाहता है। कबीर को फोन करो। कोई खबर? नाके पे चाय पी रहा है। चाय? चाय पी रहा है? क्या चाय पी रहा है? He's setting a trap. कबीर को फिर से फोन करो, फिर से फोन करो। उसे कहो जल्दी से लौट जाए। Now, do it. क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहा। फिर से ट्राई करो। फिर से करो, ट्राई अगेन। हेलो हेलो कबीर, जल्दी वहां से निकल जाओ। मैंने कहा जल्दी वहां से निकल जाओ, बाकी बातें बाद में करेंगे। जल्दी करो। हमारे साथ पंगा लिया है उसने, हमारे दिमाग के साथ खेल रहा है। छोड़ूंगा नहीं। बॉस, इस सूट में तो आप साउथ के हीरो लग रहे हो। आज तो मैं उसे आई लव यू बोलूंगा, सुनते ही वो फ्लैट हो जाएगी। ऑल द बेस्ट। आओ बैठो। नंदिनी वो आती होगी, तुम बैठो ना, मैं कॉफी लाती हूँ। बॉस बॉस रुक जाओ। बॉस क्या हुआ? बॉस मिलिट्री वाला प्यार की जंग भी जीत गया। वो उस फौजी से प्यार करती है। प्यार मेरे जैसे चिरकुट के लिए बना ही नहीं है। मैं स्टेशन जा रहा हूँ ट्रेन पकड़ने। मम्मी सॉरी। ना ना ना, मैं उठाता हूँ। हाँ आपन नंदिनी छे। आहा सुंदर। तुम्हारा नाम नंदिनी है और तुम्हारा? राज। हसी मतलब हसी। ये ले, एडवोकेट माचिस वाला के पास जा, मेरा नाम हरीश से राज करके आ। बॉस आप इस लड़की के लिए फिर से अपना नाम बदलोगे? उसके लिए अगर मैं चमन चिंदी से हरीश बन सकता हूँ तो इसके लिए क्या मैं हरीश से राज नहीं बन सकता? दोस्त इसे देखते ही दिल में बजने लगा है दिल का गिटार। उसका क्या? वो तो बीता हुआ कल है और ये? और ये आने वाला पल है। अबे थी तू मारी बकुड़ी। अब इन्हें कौन समझाए कि ये शक्ल से चमन चिंदी लगते हैं। ठीक है अब गाड़ी मारो। ओके भाई। We'll be right back.
फैलाओ साहब। बहुत बड़ी गलती कर रहा है। कौन है तू? तू जानता है कि मैं कौन हूं और यह भी जानता है कि मुझे क्या चाहिए। तू मुझे धमकी दे रहा है? क्या कर लेगा? तू कर भी क्या सकता है? तेरा भाई ऑफिसर होकर भी मेरा कुछ नहीं कर पाया। अगर तुझे यह लगता है कि मैं डर जाऊंगा तो यह तेरी सबसे बड़ी भूल है। जब तूने अपना मुंह बंद रखने का डिसाइड कर ही लिया है तो तेरे जिंदा रहने का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। ए! ए! पागल है क्या? अबे रुक जा, मार मत मुझे, मैं बोल रहा हूं, रुक जा, मार मत। ये सब की शुरुआत जेनेरिक मेडिसिन से हुई। सस्ता इलाज ना मिलने के कारण जब ड्राइवर की फैमिली ने सुइसाइड किया तो उससे तुम्हारे भाई को बहुत तकलीफ हुई। तुम्हारा भाई डॉक्टर था इसलिए वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग गया और उस पर बहुत रिसर्च की। अपने पुराने बैचमेट से मिलकर उसने एक रिपोर्ट बनाई। सर, गवर्नमेंट का डेटा ये बताता है कि महंगे इलाज की वजह से लाखों लोगों की मौत हो जाती है। इन आंकड़ों को नीचे लाने का सिर्फ एक ही उपाय है, जेनेरिक मेडिसिन। जेनेरिक का मतलब जनरल, जनरल यानी सबके लिए। जब भी कोई नई बीमारी आती है तो इस बीमारी के लिए दवा की खोज शुरू हो जाती है। बड़ी बड़ी कंपनियां इस रेस में सबसे आगे होती हैं और वो उस दवा को अपने नाम पर पेटेंट करा लेती हैं। लेकिन महंगे ब्रांड्स की दवाइयां बहुत महंगी होती हैं। आम आदमी उसे खरीदने की सोच भी नहीं सकता। जेनेरिक मेडिसिन की सेम क्वालिटी होती है, पेशेंट पर उतना ही असर दिखाती है। जब पेटेंट खत्म हो जाए तो कोई भी कंपनी उस पेटेंट किए गए फॉर्मूले से दवाई बना सकती है, यानी कॉस्ट कम की जा सकती है। अगर कैंसर ट्रीटमेंट के लिए एक महीने के 1.5 लाख लगते हैं, वहीं जेनेरिक मेडिसिन का एक महीने का खर्चा सिर्फ 10,000 रुपए होगा। आप सोचिए गरीब आदमी का कितना फायदा होगा। अगर दवाई इतनी सस्ती मिलने लगे तो फिर कंपनी का क्या होगा? हमारे देश को फार्मास्यूटिकल्स हब ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। दुनिया की 50-60% जेनेरिक मेडिसिन की सप्लाई इंडिया करता है। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो अमेरिका, जापान और दुनिया के कई छोटे बड़े देश इंडिया से मेडिसिन नहीं मंगवाते। तो तुम्हारा कहना है कि इंडिया कई सारे देशों को जेनेरिक मेडिसिन सप्लाई करता है और क्वालिटी भी अच्छी है?
तो ये हमारे देश में क्यों नहीं है? सर, सन 2008 में भारत सरकार के सौजन्य से जन औषधि कैंपेन शुरू हुआ, मगर ये स्कीम सिर्फ कागजों में रह गई, इस पर अमल नहीं हुआ। आज ऐसी छोटी मोटी बीमारियां जैसे कि सर्दी, खांसी और बुखार के लिए दवाइयां बहुत महंगी है। बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जिससे दवाई महंगी हो गई। मैं तो कहूंगा कि जेनेरिक मेडिसिन हर शहर, हर गांव में गरीबों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। हेल्थ केयर सरकार का बेसिक मुद्दा है, तो लोगों को सस्ती दवाइयां मुहैया कराना भी उनका एक अहम मुद्दा होना चाहिए, और उसका सिर्फ एक ही हल है, सस्ती दवाइयां यानी जेनेरिक मेडिसिन। तुम जल्दी से ये प्रपोजल तैयार करो, इसका अप्रूवल मैं लूंगा। थैंक यू सर। मिनिस्टर अंजनप्पा ने वो रिपोर्ट ली और मेरे बॉस के साथ मिलकर एक बिजनेस डील की। थैंक यू भाई। मिनिस्टर को 100 करोड़ में सेट कर दिया। बड़े भैया। मुझे यहाँ क्यों बुलाया सर? गौर से सुनो कलेक्टर, मैं चाहता हूँ कि तुम जेनरिक मेडिसिन के प्रोजेक्ट को भूल जाओ। मेरी बात सुनो, कंपनी मुझे शेयर्स दे रही है, चाहो तो तुम्हें भी माला माल बना दूं। तुम दूसरी फेल हो, फिर भी लोगों ने तुम्हें चुनकर अपना नेता बनाकर कुर्सी पर बिठाया, और तुम्हें उन लोगों की जरा सी भी परवाह नहीं। सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं ये जेनरिक मेडिसिन का प्रोजेक्ट पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ, जनता की भलाई के लिए कर रहा हूँ। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे खरीदा नहीं जा सकता, हर चीज की कीमत होती है। तू बोल, तू कितना लेगा? मुझे रिश्वत देने से बेहतर ये होगा कि तुम दवाइयों के दाम कम कर दो, लोग तुम्हें दुआ देंगे। क्या कि हम इंडियंस जो है ना, फैमिली वैल्यूज पे बिलीव करते हैं, जो कि आज खत्म होती जा रही है। बूढ़े माँ बाप बीमार हो जाए तो बच्चे उन्हें छोड़ देते हैं, भाइयों में दरार पड़ जाती है, वो अलग हो जाते हैं, और इसकी सिर्फ एक ही जड़ है, और वो है उस बीमारी के इलाज का उनके पास पैसे ना होना। आज परिस्थिति इतनी बदतर है कि लोग चाहते हैं कि कल मरने वाला आज ही खत्म हो जाए, उसके इलाज पर खर्च होने वाला कुछ पैसा ही बच जाए। बहुत खूब, इन सबसे लोगों को तो फायदा होगा, मगर तुम्हें क्या मिलेगा? नेक काम करने से आत्मतृप्ति। तुम जैसे ईमानदार लोग आज सड़क पर भीख मांग रहे हैं, एक बार फिर सोच लो। बुरे काम करने के लिए सोचना पड़ता है, अच्छे काम सोच कर नहीं किए जाते। फुटपाथ पर पढ़कर डॉक्टर और आईएएस बना, दोबारा उसी फुटपाथ पर आंदोलन करने से पीछे नहीं हटूंगा। इस जेनरिक मेडिसिन को आम लोगों तक पहुंचा के रहूंगा। इस डील को ठुकराने का अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम जो भी हो, मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ। गुड लक। बाय सर। एक बुरी खबर है, सत्यमूर्ति आईएएस ऑफिसर्स के साथ मिलकर हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, हमें कुछ करना पड़ेगा सर। जब तुम्हारे भाई ने हमारे साम्राज्य को खत्म करने की कोशिश की, तो हमने उसे मारने के लिए कॉर्पोरेटर को जेल से बाहर निकाला, और फिर सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हुआ। ए रुपए, भाई भाई, तेरी तो तुम्हारे भाई के जेल जाने के बाद हमें लगा शर्म के मारे वो इस बात को भूल जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। इसलिए जब वो जेल से छूटकर वापस आया उसी रात। कैसे हो कलेक्टर साहब? ओ अब तो तू कलेक्टर नहीं रहा। सत्यमूर्ति, अपनी नौकरी वापस पाने के लिए फोन किया है क्या? तू अपनी चालबाजी और पावर से मुझसे सिर्फ मेरी कुर्सी छीन सकता है, लेकिन मेरी डिग्री नहीं। यही शिक्षा की ताकत होती है। ये मत सोचना कि सब खत्म हो गया, जेनेरिक मेडिसिन प्रोजेक्ट जरूर पूरा होगा। शांत हो जा, शांत हो जा, इतना उछलने की जरूरत नहीं है। जेनेरिक मेडिसिन प्रोजेक्ट से हटाने के लिए तुझ पर झूठा केस लगवाया, मैंने तुझे अंदर किया, नौकरी से निकाला और तुझे शर्मिंदा भी किया। अब तो अपनी जिद छोड़ दे सत्यमूर्ति। सुन बे, इधर हमारी पावर चलती है, हमारा इलाका है ये। इलाका जरूर तेरा होगा, मगर कानून तेरा नहीं।
तू क्या मुझे शर्मिंदा करेगा? अब तो बस आगे आगे देखता जा, कोर्ट में ले जाकर तुझे नंगा करूंगा। सत्यमूर्ति, कोर्ट को सबूत चाहिए, तेरा ये बकवास भाषण नहीं। इसीलिए तो तुझे फोन किया। क्या क्या मतलब? तुझे क्या लगता है मैंने तुझे फोन मौसम का हाल पूछने के लिए किया है? तेरी सारी बातें रिकॉर्ड की जा रही है। अभी चुप रहने से कोई फायदा नहीं मिनिस्टर। चुप कर। सारी बातें ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है। जा यहाँ से। कोर्ट के लिए सिर्फ इतने सबूत काफी हैं। मुझे अलग बोलो क्या? जा। Let's meet in the court. तभी हमने तुम्हारे भाई को जान से मारने का फैसला किया। कौन बोलता है कि तू बुड्ढा हो चुका है? क्या बात है, पहले एक नजर इस पर तो डाल। अगर तूने मुझे जेनरिक मेडिसिन के डॉक्यूमेंट्स और हार्ड डिस्क दे दी तो मैं चला जाऊंगा। अगर एक मिनट भी देरी की तो तेरी बीवी बच्चे दोनों खलास। तूने सिर्फ एक टीबी डेटा दिया है, मगर तेरे दिमाग में जो 100 TB डेटा है उसका क्या? उसे तो क्रैश करना ही पड़ेगा ना। तेरी मौत के साथ ही जेनरिक मेडिसिन का प्रोजेक्ट भी खत्म हो जाएगा। इंसान मर सकता है लेकिन सच नहीं। कहानी तो अब शुरू होगी। मेरा राम आएगा। कबीर, हेलो, कौन बोल रहा है? तू कौन है ये बता, या फिर अपना नाम बताने से डर लग रहा है? कैप्टन राम। गुड, यू नो माय नेम। मैं वो काल हूं जो तेरे बिजनेस का नामो निशान मिटा दूंगा। अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। ऑल द बेस्ट। तुम्हारे जैसे कितने आए और कितने गए? मेरे जैसे आए होंगे मगर मैं नहीं। बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। भाभी, सब लोग मेहनत करते हैं ताकि उन्हें अच्छी जिंदगी मिले, मगर तुम्हारे भैया ने उनके लिए अपनी जान दे दी। उन्होंने आज तक किसी को तकलीफ नहीं दी, मगर उन्हें मार डाला। अब राम, ये क्या किया तुमने? आर यू क्रेजी? अब एक मिनट रुको, इट्स ब्लीडिंग। ओह गॉड, अब आई विल गेट द बैंडेज। मैं जानती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही होगी, पर एक बात का ध्यान रखना, बदला लेने से तुम्हारे भैया वापस तो नहीं आ जाएंगे। भाभी, जिंदगी में 2 दिन बहुत जरूरी होते हैं, एक जब हम पैदा होते हैं और दूसरा जिस दिन हमें जिंदगी का मकसद मिलता है। आज मैं आपसे एक वादा करता हूँ, मेरे भाई की मेहनत जाया नहीं जाएगी।
आपने सही कहा, बदला लेने से मेरा भाई वापस नहीं आएगा, लेकिन उन्हें माफ कर दूं इतना अच्छा इंसान नहीं हूं मैं। पहली बात तो यह है कि मैं तुम्हारे चेहरे पर खौफ देखने आया हूं, और दूसरी बात तुम्हें तुम्हारी मौत का ट्रेलर दिखाने। तुमने दो बड़ी गलतियां की, पहले अपने देश से गद्दारी और दूसरा मेरे भाई की हत्या। दोनों की सजा मिलेगी। तुमने मेरे भाई का तो मार दिया, मगर उसके मकसद को नहीं, और उसे मैं पूरा करूंगा। क्या करेगा तू? तेरा भाई जब लापता हुआ तभी तुझे समझ लेना चाहिए था कि मैं क्या कर सकता हूं। तूने एक ऐसे फौजी से दुश्मनी ली है जो अपने देश के लिए अपने बॉर्डर पर लड़ता है, कोई गली का गुंडा नहीं है। दुश्मन चाहे कितना भी अच्छा हो, हम उसे मारने में एक सेकंड का वक्त जाया नहीं करते, ना ही उस पर रत्ती भर दया दिखाते हैं। तुम दोनों तो इस देश के गद्दार हो, विश्वासघात किया तुमने इस मिट्टी के साथ। बहुत अय्याशी कर ली तूने, लेकिन अब तेरी मौत बहुत भयानक होगी, इतनी भयानक कि तेरी रूह कांप जाएगी। तेरी रूह कांप जाएगी। हाराम सर, मुझे पता चल गया कि मेरे भाई को किसने मारा और क्यों मारा। देखो, मैं तुम्हारा गुस्सा जानता हूं, और ये भी कि तुम क्या कर सकते हो। जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना, अपना ख्याल रखना, बी केयरफुल, ओके? बर्थडे? मुझे पता नहीं कि भाई का जन्म कब हुआ था, वो हमेशा अपना बर्थडे मेरे बर्थडे के साथ सेलिब्रेट करते थे। चलिए ना, केक काटिए। मुझे नहीं आना। ये क्या, बच्चों जैसी जिद क्यों कर रहे हैं? केक काटिए ना। वो नहीं आएगा। हमारी खुशी के लिए ना सही, कम से कम बाहर जो मेहमान आए हैं उनकी खुशी के लिए तो केक काटिए। नीतू, मुझे पता नहीं मेरा जन्म कब हुआ, मैं अपनी सालगिरह अपने भाई के साथ सेलिब्रेट करता हूँ। आज वो यहाँ नहीं है, इसलिए मैं सेलिब्रेट नहीं करूंगा। क्या हुआ? हेलो भाभी। हेलो राम। लुकिंग नाइस। हाय चाचू। हे, हाउ यू? आई एम फाइन। राम, तुमने तो कहा था नहीं आओगे। ए, ऐसे अचानक कैसे? क्यों नहीं आना चाहिए? शुक्र है आ गए। उसने कहा तुम्हारे बिना बाहर नहीं आएगा। किसने? और कौन, तुम्हारा भाई जिद पकड़ कर बैठा है। अब मैं आ गया हूँ तो भाई भी आ ही जाएंगे। चांस ही नहीं है।
एक बार नजरें तो घुमाइए। राम हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भाई। खाना बहुत टेस्टी है। बस 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 और नहीं, मेरा पेट भर चुका है। अरे तेरा पेट अब तक नहीं भरा क्या? भूल गया था, मेरा पेट भी भर गया है। ए, तुम दोनों मिलकर कोई प्लान बना रहे हो ना? नहीं नहीं, तो चुप रहे, मैं संभाल लूंगा, टेंशन मत ले। मेरा भी पेट भर ही गया है। साले साहब, आपकी बहन ने इतने प्यार से खाना बनाया, पेट भर के खाइए और सो जाइए। जब से आपका भाई वापस आया है तब से आप ओवर एक्टिव हो गए हो। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। अरे मुझे छोड़ के मैं अभी आया हूं। मेरा भाई इतने दिनों बाद आया है, उससे बहुत सारी बातें करनी है मुझे। हाँ अरे मुझे फंसा कर कहाँ जा रहे हो? मैं भी इतना मीठा नहीं खाता। मैं आप तो खाओ। मुझे यहाँ फंसा दिया, छोड़ूंगा नहीं। भैया ने मुझे कभी अपने से अलग नहीं समझा, हमेशा अपना ही एक हिस्सा माना। हाँ बोलो क्या हुआ? भाभी भाभी राम, भाभी क्या राम? क्या हुआ बोलो भाभी, हुआ क्या है बोलिए। रेतु 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 समझ गई ना? सॉरी। हम भी तुम्हारी बेटी को मारना नहीं चाहते, हमें भी बच्चों से प्यार है, मगर उससे ज्यादा हमें हमारी जिंदगी से प्यार है। वो बिना बाप की बच्ची है, छोड़ दो उसे। उसके बाप की मौत क्यों हुई उसे भी समझना चाहिए ना राम को। अब तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि जैसा हम कहें वैसा करो, वरना तुम्हारी बेटी मारी जाएगी। बोलो क्या करना होगा मुझे? गुड, तुम स्मार्ट हो, पर तुम्हारे पति में अकल नहीं थी। एक घंटे में हमारी गाड़ी तुम्हारे घर के सामने आएगी। राम से कहो सबूतों के साथ चुपचाप गाड़ी में बैठ जाए। तुम्हारे पति ने सुइसाइड किया और तुम्हारा तेवर एक्सीडेंट में मर जाएगा। जिसे देश के लिए शहीद होना था वो सड़क पर भी मौत मारा जाएगा। उसे पकड़ने का बंदोबस्त हो चुका है, जैसे ही वो पकड़ा जाएगा तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। रितु वापस आएगी। राम अगर तुम गए तो तुम्हारे वापस आने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। भाभी जब कोई काम पर जाता है तो एक उम्मीद होती है कि वो लौटेगा, मगर जब एक सैनिक काम पर जाता है तो उसके घर आने की कोई उम्मीद नहीं होती, उसे कभी भी कुछ भी हो सकता है, कब मर जाए कुछ पता नहीं होता। इंसान सैनिक तभी बनता है जब वो देश के लिए मरने को तैयार हो, और जब हम अपने देश को बचाने के लिए अपनी जान न्योछावर कर सकते हैं तो क्या मैं अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी जान नहीं दे सकता? हर सैनिक
दुश्मन का दिलेरी से सामना करके मैदान जंग में जंग जीतता है। मगर परिवार की बात आते ही वही बहादुर सैनिक कमजोर पड़ जाता है। हम जहां भी हों, जिस हाल में भी हों, हमेशा अपने परिवार की सलामती चाहते हैं। ऋतु वापस आएगी, जरूर आएगी। जब वो वापस आए उसे ये देना, हमारे देश में कितना भी भ्रष्टाचार क्यों न हो जाए, है तो हमारा ही देश। और मुझे पूरी उम्मीद है जब ऋतु बड़ी होगी वो अपने देश के लोगों के लिए जरूर कुछ करेगी। नमस्ते कैप्टन राम। आज देशभक्ति और देश प्रेम के बारे में बात नहीं करेंगे। क्यों, सांप सूं गया क्या? परिवार के सामने देश का प्यार भीगा पड़ गया ना? मुझे लगा तू शेर की तरह गरजते हुए आएगा, लेकिन तू तो गीदड़ की भांति मेरे सामने आकर खड़ा है। जानता है मेरा क्या कहने का मन कर रहा है? चल सांप के सामने सलामी मार। बड़ा आया देशभक्त। तू एक पॉलिटिशियन है और सैनिक के बारे में इससे ज्यादा नहीं जानता। गलती तेरी नहीं है, उन लोगों की है जिन्होंने तुझे वोट दिया। बंद कर तेरी चपड़ चपड़। हमें लोगों ने वोट दिया भी और हम जीत भी गए। अब कान खोलकर मेरी बात ध्यान से सुन। तू उस गाड़ी में बैठ के जाएगा, आगे एक्सीडेंट होगा और उसी के साथ तेरे भाई का जेनेरिक मेडिसिन का सपना और तू दोनों बूम। ओम नमः शिवाय। मिस्टर राम, या आपके नाम अरेस्ट वारंट है, प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा। हम जबरदस्ती नहीं करना चाहते। आपका मिलिट्री से कोर्ट मार्शल हो चुका है, हमें ऑर्डर्स मिले हैं कि आपको अरेस्ट करके उनके हवाले कर दें। हमारे साथ चलिए प्लीज। मुझे दो मिनट देंगे बात करने के लिए? ओके, थैंक यू। रितु को कुछ होना नहीं चाहिए। इसने ऐसा क्यों कहा? क्या हुआ, प्लान चेंज हुआ है क्या? नहीं, तुम उसे लाने के लिए पहुंच गए। इसीलिए तो यहाँ आया हूँ, मगर पुलिस आकर अभी उसे ले गई। कहती है कि उसे कोर्ट मार्शल हो गया, वो उसे आर्मी के हवाले करने वाले हैं। ये सब क्या चल रहा है? मुझे कुछ नहीं पता। एक बात तो तय है, जब तक लड़की हमारे पास है उसे आना ही होगा। देश में अगर कोई भी मुसीबत में हो तो उसे बचाना हमारा कर्तव्य है। तुम्हारे भाई की बेटी हमारे देश की नागरिक है, उसे बचाना हमारा कर्तव्य है। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद सर। yeah. आपके रेजिमेंट के लोग टेक ओवर कर लेंगे सर। थैंक्स। आपके अरेस्ट होने के बाद उसने मिनिस्टर को कॉल किया था। लोकेशन? कॉल इस टावर से की गई थी सर। ये टावर चिकपेट मार्केट में है। वो फिर से कॉल करेगा, लेट्स वेट। सर वो मिनिस्टर फिर से कॉल कर रहा है। लोकेशन बताओ। आई थिंक वो एवेन्यू रोड के पास है। हम उसका GPS लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं सर। स्टार्ट द ट्रैकिंग, नंबर ट्रैक करो सर। होम मिनिस्टर को ये इन्फॉर्मेशन पास करो। ओके? यस सर। हेलो, मैं अभी मार्केट में हूँ, आते वक्त मैं खाना लेके आऊँगा। हाँ हाँ, बच्चे के लिए कपड़े भी लेके आऊँगा। देख के नहीं चल सकते क्या? ये लो सारा सामान गिरा दिया।
चुके हैं। हेलो, तुझे क्या लगता है एक तू ही समझदार है इस दुनिया में? समझदारी का जूस मैं रोज सुबह पीता हूँ मुन्ना। मैंने तुझे तेरे ही जाल में फंसा दिया, पता चला तुझे? इसे राजनीति कहते हैं मेरे देशभक्त। अब आगे क्या करना है तुझे खुद पता है। आजा। आजा। भैया, साबित कर दिया कि इस दुनिया में कुत्तों से वफादार और कोई नहीं। अब मेरा सीक्रेट ओपन हो गया है तो तुझे क्लोज होना होगा। सॉरी। मैंने इसे कहा था कि हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए, लेकिन देखो, ओम नमः शिवाय। जैसा तुमने कहा था, मैं अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट्स और सबूत ले आया हूं। अब अपने वादे के अनुसार रितु को छोड़ दो। परिवार में किसी को खोने का गम मैं अच्छी तरह जानता हूं। मुझे मार दो पर रितु को छोड़ दो। इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। तूने मेरे किरेबान में हाथ डालने की गुस्ताखी की है ना? तेरी तो अब एक तो पहले ही शनि का प्रकोप चढ़ा हुआ है, उस पर तू मौत बनकर मंडरा रहा है। बहुत सताया तूने, अब तुझे पता चलेगा कि तूने किससे बदला लिया। तेरा भाई आईएएस ऑफिसर और तू आर्मी ऑफिसर, हाँ? चुपचाप आम आदमी की तरह अपनी जिंदगी गुजारता, लेकिन नहीं, तुम दोनों भाइयों को देशभक्ति की खुजली जो लगी है कि नहीं? तू अपनी ताकत बॉर्डर पर ही दिखा सकता है, यहाँ नहीं। अगर गरीब बीमारियों से मरते हैं तो मरने देना, उनके जिंदा रहने से क्या तू झंडे गाड़ेगा? ए, इस देश में सब्जियों के दाम महंगे हो जाए तो लोग स्ट्राइक करते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाए तो लोग स्ट्राइक करते हैं, मगर क्या कभी दवाइयों के दाम बढ़ने पर स्ट्राइक करते हैं? बोल, नहीं ना, क्योंकि वो डरते हैं अपनी मौत से। आ,
जो डर उनकी वीकनेस है वही हमारा बिजनेस है, जेनेरिक मेडिसिन। तेरे भाई का यही सपना था ना, अब तेरे बच्चों को क्या, पोतों को भी नसीब नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा रचा हुआ चक्रव्यूह है, इसे कोई नहीं भेद सकता। हे शेर, तू तो भीगी बिल्ली बन गया रे। तुझे गुस्सा नहीं आ रहा है? गुस्सा दिलाऊं मैं? हमने तेरे भाई को मरवाया। उसे मार कर सुसाइड का रूप देने वाले हम दोनों हैं। गुस्सा नहीं आ रहा है? गुस्सा नहीं आ रहा तुझे? बोल, तुम चाहे मेरी जान ले लो। रितु को छोड़ दो। ए, तू, मुझे तो लगा था कि तू शेर है, चूहा निकला। भैया जाने दो इसे, मर गया ये, छोड़ा। देख क्या रहा बे, इसकी पिक्चर खत्म कर। सारी गोलियां उसके अंदर उतार देना, वो कोई आम इंसान नहीं है, शेर है। बब्बर शेर। ये क्या, सिर्फ 10 सेकंड के अंदर? शेर साइलेंट हो गया तो इसका ये मतलब नहीं कि वो थक गया, इसका मतलब वो अगले वार की तैयारी कर रहा है। मैं चाहता था कि तुम 15 मिनट टेंशन में रहो, जानते हो क्यों? तुम्हारी पोल खोलने के लिए, जिसे अभी पूरी दुनिया ने देखा है। मैं तो बस नाटक कर रहा था। मैं आज तुम दोनों को कुछ दिखाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। हम सैनिक तुम्हारे परिवारों की जान बचाने के लिए बॉर्डर पर अपनी जान दांव पर लगा देते हैं, तो कोई हमारे परिवार पर आंख उठाए। तुमने कहा था कि मेरे भाई की बेटी अब तुम्हारे कब्जे में, जरा चेक करो। कोई नहीं उठा रहा ना, उठाएगा भी नहीं। अगर देश के सैनिक बिकने लगे तो इस देश में कुछ नहीं बचेगा, उसके टुकड़े हो जाएंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल ने तुम्हारी मदद की सिर्फ तुम लोगों को एक्सपोज करने के लिए, मुझे कोर्ट मार्शल करने के लिए नहीं। दवाइयां तेरे लिए सिर्फ एक धंधा है। लोगों की जान बचाने के लिए कर्फ्यू में भी मेडिकल की दुकान खुली रहती है, और तुम लोगों ने
मेडिसिन का गैर कानूनी कारोबार बना रखा है। अब पूरी दुनिया को तेरे बारे में पता चल गया। तुझे जिताकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। तू उनको तभी दवाइयां देगा जब वो स्ट्राइक करेंगे। वो स्ट्राइक करेंगे, सड़कों पर उतर कर स्ट्राइक करेंगे। मेरे भाई का सपना पूरा होगा। मैं किसी देशद्रोही को चैन से जीने नहीं दूंगा। वो ईमानदार थे, ईमानदारी से जनता की सेवा की और उनके लिए अपनी जान दी। ये मेरे भाई की तरफ से। हेलो कंट्रोल रूम। डॉक पे अभी एक गैंगवार हुई है। घायल लोगों को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हमें यहाँ एम्बुलेंस की जरूरत है। जितनी जल्दी हो सके डॉक पर पहुँचो। चलो उठाओ इन्हें, जल्दी करो। यहाँ से कोई भी गाड़ी बाहर ना जाने पाए। ले चलो इनको, चलो जल्दी करो, जितनी जल्दी हो सके एम्बुलेंस लेके। Mr. Anjanappa is the main culprit behind IAS Satyamurthy's murder. IAS officer Satyamurthy ke maut ke piche kaun kaun tha uska raaz khul chuka hai. Mr. Anjanappa is the main culprit behind IAS Satyamurthy's murder. Generic medicine paane ke liye log sadkon par aa gaye hain. Medicine ko lekar logon mein behas shuru ho chuki hai. रितु दूध पी लो। मम्मी चाचू कहाँ है? चाचू कब आएंगे? चाचा के बारे में जानना है? वो वही है जहाँ उन्हें होना चाहिए। वहाँ देखो